आज ना एक फोन आया तो मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग, तो फिर आंटी बोली हाँ गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हम किसी काम से सुबह सुबह आज निकले थे। हाय मॉम, हाय, ये है पापा। पापा आपकी तबीयत कैसी, पूछना पापा आपकी तबीयत कैसी है। एक्चुअली जब किसी की तबीयत खराब होती है तो थोड़ा सा इरिटेट होता है ना, उस तरीके से पापा भी इरिटेट हो रहे हैं थोड़ा। पर हाँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैम को दिखाने जा रही होगी, दिखाने के लिए डॉक्टर को जा रहे हैं और हम जा रहे हैं घर पे। पापा को पहले ड्रॉप कर देंगे रास्ते में क्योंकि पापा को कहीं से जाना है, तो उसके बाद में हम घर जाएंगे। और आज मैं अनाउंस करने वाली हूँ विनर्स के नाम, जिन्होंने सही जवाब दिया था मेरे लास्ट क्वेश्चन का, जो कि था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने आपको काफ़ी सारे हिंट्स भी दिए थे, तो काफ़ी लोगों ने सही गेस किया। और जिन्होंने नहीं किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप आगे करिएगा गेस और आपको भी गिफ्ट हैंपर्स मिल सकते हैं। तो एक सेकेंड, जो हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ, और हाँ, जो मैं ये बोल रही थी, जो विनर्स होंगे जिनके नाम मैं थोड़ी देर में अनाउंस करने वाली हूँ, उनको अपने एड्रेस मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं अपना ईमेल आईडी लिख दूंगी, आप मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, जिसमें हम आपको अपनी आपके गिफ्ट हैम्पर्स डिलीवर करेंगे। एंड फिलहाल यहाँ पे ठंड का अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो ये है कि गर्मी तो धूप में तो बहुत गर्मी होती है, हमारा घर बहुत ठंडा है, तो हम जब कपड़े पहन के निकलते हैं तो ऐसा लगता है इग्लू से निकले हैं। बट अभी उतनी ठंड नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट सा है, अच्छी धूप निकली है और दिसंबर वाली धूप। और हाँ, आपका बाइक सो ओके, बाय पापा। पापा गए हैं और हम जाते हैं घर, और मेरा एक कुरियर भी आया हुआ है, देखते हैं किसने भेजा है, और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। वो पहुँच चुके हैं और सामने हमारे बच्चे हैं। ओ रुकना रुकना रुकना, वो बहुत प्यारा सा बच्चा है, शेरू है, शेरू और शेरू का भाई है। देखिए कुरियर आया भैया, दोनों आज ऐसे कैसे लेते हैं। आज मैं आपको एक बताती हूँ, शेरू का भाई, रुके रुके रुके, शेरू का भाई। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हमारे घर के पास में बहुत ही क्यूट से दो इंसान है। भैया कुरियर है ना, लाइए डिलीवरी कोड में बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। हेलो हेलो शेरू गाबा, शेरू गाबा, छोड़ू। मुझे ना इन सर्दियों में ना मेथी के लड्डू बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। और इस बार मैं मम्मी को बोल रही हूँ काफ़ी टाइम से कि आप बनाओ बनाओ, पर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम आए हैं मेथी के लड्डू खाने आंटी के घर पे। और यहाँ पे आंटी ने बनाए हैं अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी मेथी के लड्डू, मैं आपको दिखाती हूँ। आंटी दिखाइए। हाय, और ये आपने खुद बनाया? हाँ। कैसे बनाया आप मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताना, पहले मैं टेस्ट करके देखूं। टेस्ट करके देखो फिर बताते। चलिए ठीक है, ओके। तू दो खाएगी? फिलहाल एक तो खा ही लेती हूँ। ऐसे ठीक है, बताना नहीं, आप भी ले लो थोड़ा। मैंने सुबह खाया, दिस इज अमेजिंग, सर्दियों का उपहार। मैं पक्का बनाऊंगी, है ना? अच्छे बने, बहुत टेस्टी है। तो गाइज, मेरे गिफ्ट हैंपर के लिए जो विनर है वो है पारुल पाठक। और पारुल पाठक, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अब आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कीजिए ताकि मैं अपना गिफ्ट हैंपर आपको भेज सकूं। आपको एड्रेस कहाँ पे भेजना है? आपको मेरे इंस्टाग्राम पे चिंतन असोपा पे जाना है, वहां जाके मुझे डीएम करना है, नहीं तो मेरा जो मेल आईडी वो है chintanmahima@gmail.com, आप वहां जाके मुझे मेल कर सकते हैं अपना एड्रेस अपना फोन नंबर, ताकि मैं आपको आपका गिफ्ट पहुंचा सकूं। और थैंक यू सो मच सभी लोगों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे जवाब दिए, बहुत कुछ अच्छे गेसेस भी किए, तो उसके लिए मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये कॉन्टेस्ट खेल के, और ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहेंगे। और
जिन्होंने भी सही जवाब दिए, गलत जवाब दिए, उन सबको दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू सो बता दो। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि जो मुझे सबसे करेक्ट आंसर सबसे पहले देगा वो विनर होगा। आंसर्स तो बहुत सारे करेक्ट आए हैं, आप लोगों ने सभी ने आंसर्स सही दिए ऑलमोस्ट, लेकिन जो सबसे पहले जिसने दिया है मैं उसको विनर घोषित करने वाली हूँ। सो क्या कर रहे हो आप? मैं खाना खा चुकी हूँ और आज मैंने बनाया था गाजर का हलवा। ओह, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई अपने व्यूअर्स को। अच्छा, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तब तो नहीं बताऊंगी, मैं मेरे आसोबा किचन में बताऊंगी फिर। हाँ, आसोबा किचन में मम्मी बताने वाली कि उन्होंने किस तरीके से गाजर का हलवा बनाया था। मम्मी पूरा दूध में गाजर को वो कर लेती है, काफी दूध में गाजर को बना के इतना टेस्टी हलवा बनाया ना, उसमें केसर डाल के क्या हलवा बनाया, वाओ और जियाना वाला वाओ। जियाना जैसे करती है ओह वाओ ओह वाओ, वैसा हलवा बना था। और अब हम कल कुछ और स्पेशल बनाने वाले हैं सर्दियों के, हम आपको असोपा किचन में बताएंगे। बिल्कुल, तो आप तैयार रहिए। असोपा किचन को आप लोगों ने देखना तो मन नहीं कर दिया? अगर कर मत करना, आगे सामने आने वाली बहुत सारी रेसिपी की रेसिपी तो मिलेगी, साथ साथ में और भी कुछ मिलने वाला है। अभी तो पता नहीं, मैं बहुत सारी चीजें बनाने वाली हूँ सुबह किचन में। अच्छा, ठीक है। और फिलहाल थाम के बैठिए और फिर देखिए मेरा आसोपा किचन। ठीक है, दिल थाम के बैठे। अच्छा, और कुछ बताओ। जैसे मैं जैसे सब्जियां बनाऊंगी ना, वैसे डिफरेंट सब्जियां होगी, जैसे हर कोई वैसी सब्जी नहीं बनाता होगा, थोड़ा डिफरेंट तरीका है मेरे सब्जी बनाने का। ऐसा क्या करते हो आप सब्जी में, जरा बताना। कुछ ऐसा करती हूँ जो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो बनाएंगे कैसे लोग? वो तो मैं बताऊंगी ना कि कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। और इसके साथ में आज ठंड बहुत है मम्मी, मेरे व्यूअर्स जिसने वो जीता है गिफ्ट हैम्पर, हाँ, एक बधाई के पात्र है वो जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर जीता है और उनको जल्दी ही मिलने वाला है चिंतन की तरफ से प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। मैं सोच रही हूँ कभी कभी हम ना अपने व्यूअर्स को ना, जैसे मोजड़ी यहाँ की बहुत फेमस है वो भेजना चाहें, लेकिन उनके शूज के नाप का क्या पता चलेगा हमें? वो तो हम ले लेंगे, हम जैसे कॉन्टेस्ट करवाते रहेंगे। अब हमने एक नई चीज स्टार्ट की। जी हाँ, आप अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जान के बहुत ही खुशी। मोजड़ी, इतनी प्यारी प्यारी मोजड़ी मिलती है ना यहाँ पे, कसीदे वाली, घुंघरू वाली, इतनी प्यारी प्यारी, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना हम यहाँ की जो स्पेशल चीज है वो भेजा करें। तो अब जो मैं कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ उसमें मैं आप लोगों को एक यहाँ की मोजड़ी गिफ्ट करूंगी, जो भी विनर होगा उसको। और वो मोजड़ी इतनी प्यारी होगी ना, हमारी पसंद की होगी, वो बहुत प्यारी होगी। ठीक है, ठीक है। और ये कौन है? कौन? ये दोनों है दादू और दादी, किशु के दादू, किशु की दादी। और इसके साथ ही आज सोते हैं फिर नई सुबह नए उसके साथ नए अंदाज के साथ। अरे वो मेरा आँखा तो बहुत ही स्क्रिप्टेड लगता है। समापन करते हैं, कल फिर नई उमंगों के साथ कल हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। कहीं तब समझ ही गए होंगे हमारे कहने के मतलब। शुभ रात्रि, शबा खैर, और कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारी उपस्थिति आपके चेहरों पर मुस्कुराहट हमारी उपस्थिति आपके चेहरों पे मुस्कान ला दे, ऐसी हमारी प्रयास रहता है। हम प्रयासरत रहते हैं इसके लिए और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और आप ऐसे ही देखते रहिए उत्सुकता के साथ और नई और आपके उल्लास भरे जीवन में और आपके उल्लास भरे जीवन में थोड़ा सा योगदान रहेगा हमारा और उत्साह भरने का। और आप कभी कभी हम ऐसी चीजें दिखाएंगे कि आप निरुत्तर हो जाएं। मैंने नए साल में एक प्रण लिया है कि मैं हर टाइम में ना उत्सुकता के साथ रहूंगी, उत्साह के साथ रहूंगी, नवीनता के साथ रहूंगी। ओके, ठीक है ना। छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी, नई दौर पे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी टरना टरना, हम हिंदुस्तानी टरना टरना। क्या चलो गाइस बाय बाय, मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से, टाटा।